नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आई नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। 10 शादियां करने वाले अधेड़ की हत्या का हुआ खुलासा। आवे संबंध व संपत्ति विवाद, इन दो बिंदुओं पर जांच में जुटी पुलिस। बरेली घर से लापता हुए एक अधेड़ का शव उसके ही खेत में मिला था। गले में मफरल का फंदा कसा था। पुलिस गला घोंटकर हत्या की आशंका जता रही है। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में मृतक जगनपाल की विवाहित जीवन का दिलचस्प ताना बाना सामने आया है। पुलिस के मुताबिक अधेड़ अब तक 10 शादियां कर चुका था, जिसमें से उसकी 5 पत्नियों की मौत हो चुकी है। 3 बीवियां घर छोड़कर जा चुकी हैं। वर्तमान में वह 2 बीवियों के साथ रहता था। दोनों बीवियां मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। आबे संबंध व संपत्ति विवाद, इन दो बिंदुओं पर पुलिस जांच में जुट गई है। गाँव मांडा निवासी जगनलाल मंगलवार को घर से खाना खाने के बाद घूमने निकले। देर रात तक वह घर नहीं लौटे। गांव के बलवीर सिंह ने इसकी जानकारी उनके भतीजे दर्शन सिंह यादव को दी। स्वजन ने खोजबीन की, लेकिन उनका सुराग नहीं लगा। बुधवार अपराह्न 2:30 बजे उनका शव पॉपुलर के खेत में मिला। उनके गले में मफरल का फंदा कसा था, वह पेड़ से बंधा था। जांच में जुटी पुलिस प्रथम दृष्टया अधेड़ की हत्या मान रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने मृतक की भाभी से कड़ी पूछताछ की, तो पता चला कि मामला 14 बीघा जमीन का है, जिसको लेकर उसने किराए के गुंडे बुलवा कर उसकी हत्या करा दी। जायदाद दे रहा हूँ सब दूसरे के लिए। कितनी 15 बीघा जमीन थी। 15 बीघा जमीन थी। जमीन की चक्कर करवा दिया। मेरे ससुर ने नाम मेरे आदमी के कराई थी, वो फैली में पड़ गया। वो गांव वाली बंगालिन के नाम करा रहा था। अच्छा, इसलिए मरवा दिया। इसलिए मरवाया, कोई आस औलाद थी नहीं उसके, औरतें दो थी। कितनी पत्नियां रख चुका था ये? 10। 10 रख चुका था। आपकी कितनी उम्र है? 55 साल ही हुई। 55 साल। आपको लगा कि सगे देवर को मरवा जमीन के लिए आप जेल जा रही हो? सगा देवर था आपका, कुछ क्या? पूरी घटना तो ये मुन्नी देवी है, इन्होंने 6 विषय जमीन का लालच दिया था हमें। अच्छा। तो 6 बोले बेटा अगर तुम ये कांड कर दो, जागन का मर्डर कर दो, तो हम आपको 6 विषय जमीन देंगे। अच्छा। तो हमने कहा चलो देखते हैं, मौका लगे करेंगे। फिर हमने इनका सौदा हमारा 6 विषय में हो गया। फिर उसके बाद हम देव सिंह को पकड़ा। देव सिंह से कहा ऐसे ऐसी बातें, 3-3 बीस हर के लोग ले लेंगे। तो ये बोले 2 आदमी वो नहीं होगा, 1 आदमी और ढूंढना। तो फिर एक आदमी कालीचरण सत्यान नगर का, उसे हमने 2 लाख में सौदा किया था। फिर उस घटना को अंजाम दिया गया। घर से सर कुंडी आवाज़ दी हमने, और वो कुंडी खोल के बाहर आया शाम 7:30 या 7 बजे टाइम पे। तो हमने कहा हम रिश्तेदार हैं आपके। बोले अच्छा अभी आ रहे हैं। तो वो आया, जैसे ही वो बाहर निकला हमने बाहर से कुंडी डाल दी सर, और उसे लेके बगल में कालीचरण ने दबा के खेतों में ले गया। फिर गले में मफलर डाल के दोनों लोगों ने, मैंने कालीचरण ने खींच डाला, फिर गला दबा दिया सर। फिर भाग बांध के वहीं भाग गए। 10 शादियां करी थी उन्होंने। जी हमने ये गलत काम करा, हमें पछतावा है। थाना भोजीपुरा में 20 तारीख को एक शव मिला था, जिसमें पोस्टमार्टम कराने के उपरांत गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। पुलिस के द्वारा इसमें धारा 302 अज्ञात के तहत मुकदमा पंजीकृत किया, और पूरे घटना का जब खुलासा हुआ, इसमें ये पाया गया कि जो मृतक है वो पूर्व में 8-10 महिलाओं को अपनी पत्नी के रूप में गांव में रख चुका था, जिनकी पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। वर्तमान में 2 महिलाएं उसके साथ रह रही थी, और इन 2 महिलाओं के साथ ही एक लड़का भी उसके साथ रहता था, जिसमें उसने अपनी जो सारी संपत्ति है उस लड़के के नाम करने की इच्छा जताई थी। इसी बात को लेकर जो मृतक की भाभी है उसने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी, और जो मृतक जिन्होंने हत्या में उसका सहयोग किया उनको जो जमीन प्राप्त होती उसमें से कुछ हिस्सा देने का वादा उनको किया गया। क्या पूरी संपत्ति ये बता रही है जैसे कि महिला, क्या पूरी संपत्ति उनके पास परिवार की पहुंच गई थी और वो नाम करने जा रहा था? ये मृतक के पास लगभग 14 बीघा के आसपास जमीन थी, और ये 14 बीघा जमीन है मेन रोड के साथ थी, तो लगी हुई थी, और ये जो लड़का उनके साथ रहता था उसी के नाम कराने की बात चल रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर जो इसकी मृतक की भाभी है उसने 3 अन्य के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। दवा व्यापारी की हत्या करने वाला अभियुक्त हुआ गिरफ्तार।
20 तारीख को थाना भुता क्षेत्र में दवा व्यापारी की निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रथम दृष्टा को देखते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई। पुलिस को जांच में एक अभियुक्त प्रकाश में आया, जिसका नाम पवन है, जिसके ऊपर 8 मुकदमे पहले से ही हैं। कड़ी पूछताछ के बाद अभियुक्त पवन ने बताया कि वह हवा में फायरिंग कर रहा था, अचानक जब व्यापारी सामने आया और उसको गोली लग गई। का सुनी हो गई, सब मेरे पास तमंचा था और मैंने फायर स्टार्ट किया, मगर वो सामने आ गए, गोली उनके लग गई, वो वहीं गिर पड़े। अब इसमें दो लोग बेकसूर हैं सर, फंसाए जा रहे हैं। तो जांच करेंगे गुप्ता जी, पिछड़ गई सर, 8 मुकदमे, 7-8 मुकदमे, 8 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है, गैंगस्टर भी दर्ज है इसके ऊपर। संपत्ति कुर्क हो जाएगी, कुछ है इसको देखते हैं, गैंगस्टर भी दर्ज है। थाना भूता में 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और उसमें पुलिस के द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्ट डॉक्टरों के पैनल के द्वारा इसमें पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसमें मौत का कारण जो था वो फायरआर्म इंजरी था। पुलिस के द्वारा इसमें एक अभियुक्त पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अवैध शस्त्र जिससे उसने उस व्यक्ति की हत्या कारित की थी उसको भी बरामद किया गया और व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में व्यक्ति का ये कहना है, अभियुक्त का कहना है कि उसके द्वारा ये हत्या पूर्व के जो विवाद हैं उसकी वजह से की गई थी और जो ये अभियुक्त है इसके ऊपर पूर्व में 8 मुकदमे भी दर्ज हैं। दूसरा, जो परिजन थे वो क्या आरोप लगाया था और प्रथम दृष्टया जो पुलिस ने FIR दर्ज की थी वो क्या थी? परिजनों के द्वारा इसमें 3 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें हत्या का इसमें मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के द्वारा इसमें अभी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और बाकी जो 2 और नामजद हैं उसमें उनका क्या रोल है उसके बारे में अभी विवेचना चलेगी और उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। पकड़ा गया जो आरोपी है उसका और ग्राम प्रधान का क्या रिश्ता है? नहीं, पकड़ा गया जो आरोपी है और वो जो ग्राम प्रधान है उसका रिश्तेदार लगता है। शेरगढ़ में सर्राफा व्यापारी के साथ लूट का हुआ खुलासा। 1 किलो 400 ग्राम चांदी हुई बरामद। पिछले दिनों थाना शेरगढ़ के क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी के साथ कुछ बदमाशों ने लूट वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच शुरू कर दी थी। इस घटना में एक बच्चे समेत 3 युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ के बाद पता चला इन चोरों ने सर्राफा व्यापारी के साथ लूटपाट की थी। घटना का खुलासा करते हुए SSP रोहित सिंह सचवाड़ ने बताया, थाना शेरगढ़ के अंतर्गत 3 दिन पूर्व एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें लगभग 2 किलो चांदी के आसपास ऐसा जो वादी के द्वारा बताया गया था उसी के आधार पर इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और इस पूरे प्रकरण में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, जिसमें 3 जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया और बाकी जो 1 है वो बाल उपचारी है, जिसको संबंधित बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में लगभग 1 किलो 400 ग्राम चांदी की बरामदगी की गई है और जो अभियुक्त हैं उनके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं। कैसे लूट की प्लानिंग की गई, कौन मुखबिर था, किस तरीके से लूट की वारदात हुई? इसमें जो सर्राफे की दुकान थी उसके पास का रहने वाला एक व्यक्ति था और बालक था, उसी के द्वारा इसमें क्योंकि उनके ऊपर जैसा बताया गया कि उनके ऊपर कर्ज हो गया था, उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने लूट की योजना बनाई और लूट की घटना को अंजाम दिया। ट्रैफिक माह के चलते लोगों को किया गया जागरूक। ट्रैफिक विभाग के द्वारा एक जागरूक कार्यक्रम चौकी चौराहे पर किया गया, जिसके मुख्य अतिथि ADG अविनाश चंद्र रहे, जिन्होंने रैली का शुभारंभ हरी झंडी देकर किया। इस मौके पर ADG अविनाश चंद्र ने बताया कि इस समय शासन द्वारा ट्रैफिक महा कार्यक्रम किया जा रहा है, इसी कड़ी में आज बरेली में यह कार्यक्रम रखा गया। शासन के निर्देश पर यातायात मार्ग सुरक्षा चलाया जा रहा है, इसमें तमाम सारी रैलियां निकाली जाएंगी, स्कूल कॉलेजेस में लोगों को शिक्षित किया जाएगा, पैम्फलेट पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाएगा कि सड़क पर चलते समय क्या डिसिप्लिन फॉलो करना है, क्या नियम कानून पालन करना है। ट्रैफिक के नियम बहुत सरल हैं, इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आप 2-व्हीलर पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा के चलिए, 2 लोगों को बैठा करके चलिए, उन सवारी मत बैठाइए, सड़क के नियमों का पालन करिए, रेड लाइट पर रुकिए, शराब पी के गाड़ी में चलाइए, चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग मत करिए, 4-व्हीलर पर चलना है सीट बेल्ट लगाइए। नियम कानून बहुत सरल है लेकिन अक्सर पालन नहीं किया जाता है, तो इसमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए बच्चों में, युवाओं में और सभी नागरिकों में सड़क के नियमों का पालन करें, अवेयरनेस भी चलाया जा रहा है। जिला चिकित्सालय महिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नवजात बच्चियों को उपहार देकर कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजन किया गया,
जिसमें माननीय विधायक डॉक्टर अरुण कुमार रहे, जिन्होंने नवजात बच्चियों के परिवार को उपहार भेंट किए। वहीं मौजूद जिला प्रवेशन अधिकारी नीता अहिरवार ने सभी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में संदेश दिया। 22 जनवरी को जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन कराने वाले लाभार्थियों का संदेश। महिला जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अलका शर्मा ने बताया कि टीकाकरण करवाकर सुरक्षित महसूस हो रहा है, लेकिन टीकाकरण करवाने के बाद भी एंटीबॉडी डेवलप होने में समय लगता है, इसलिए शारीरिक दूरी, मास्क और हाथ को सैनिटाइज करने का ध्यान रखें। जो भी वैक्सीनेशन करा रहा है उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। आयुष्मान विभाग में कार्यरत हर्ष राय कुमार ने बताया कि कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, यह एक सुरक्षित वैक्सीन है। हमारे जनपद में 25 सेशन साइट्स 49 सेशन जो हैं ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसमें 4,900 लाभार्थियों की लिस्ट में मेरा भी नाम है और जिला अस्पताल के बूथ नंबर 1 सेशन संख्या 1 में मेरा भी नाम था। और मैंने अभी फील्ड में काम देखने के बाद कार्य देखने के बाद अभी आकर टीका लगवाया है और मुझे टीका लगवाए हुए 35 मिनट हो चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टीका लगवाने के बाद एक अंदर से खुशी महसूस हुई और अच्छी फीलिंग्स आई कि कोरोना की इतनी महामारी को देखते हुए और उससे हमने संघर्ष किया है और आज हम वैक्सीनेशन तक पहुंच पाए हैं। सभी को मेरा संदेश है और मैं कहना चाहूँगा एज ए DIO के रूप में सभी को कि जब भी नंबर आता है तो कोविड-19 की जो वैक्सीन आई है उसको ज़रूर लगवाएँ, जिससे कि सुरक्षित रहें, सेफ रहें, हम सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित। बरेली के भाजपा के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने आज कोरोना वैक्सीन लगाकर लोगों में जो भय की स्थिति बनी हुई है उसको खत्म करने का काम किया। इसी के साथ वो देश के पहले मेयर बन गए हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। बरेली के मिशन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर उमेश गौतम ने अपनी पत्नी और अस्पताल के समस्त स्टाफ के साथ कोरोना वैक्सीन लगवाई। डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि लोगों में जब से वैक्सीन लगना शुरू हुई है, आप ही के माध्यम से खबरों में पता लग रहा है कि 40% से ज़्यादा लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं जिनके नाम आए हैं। तो आज हमने वैक्सीन इसलिए लगवाई है कि लोगों में एक ये संदेश जाए कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है जो हमारे भारतवर्ष में बनी है, और इसको आगे बढ़ के लोग लगवाएं जिससे कि खुद को भी सुरक्षित करें और अपने देश को भी सुरक्षित करें। इसीलिए आज ये वैक्सीन हमने लगवाई है। मेयर के किसी तरीके का डॉक्टर के साथ मेयर भी हैं तो क्या लगता है पहले मेयर के रूप में जाने जाएंगे? हाँ, अभी तक मुझे लगता है कि ये सौभाग्य मिला है और मेरा सिर्फ लोगों को यही संदेश देना है कि कोविड जो वैक्सीन है ये पूरी तरह से सुरक्षित है, सभी लोग निर्भीक होकर आगे बढ़कर इसको लगवाएं। सर, ये जानना चाहूँगा कि आप मेयर हैं पर नेताओं को तो मना किया गया, तो आपने मिशन हॉस्पिटल के डायरेक्टर के तौर पर आपकी एंट्री इसमें लेवल हुआ होगा? जी जी, हॉस्पिटल क्योंकि हमारा हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में सभी लोगों को, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स कहलाते हैं, तो सफाई कर्मचारी से लेके वार्ड हेड से लेके जितने भी हॉस्पिटल के लोग हैं सभी को, इवन जो मेडिकल स्टोर पर भी काम कर रहे हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जा रही है। क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में जब भी लोग आते हैं ये पता नहीं होता कि किसको कोरोना है, तो उसकी जद में कोई भी व्यक्ति आ सकता है जो हॉस्पिटल में हर समय काम करता है, तो उन सबको लगाई गई है और उनको खासतौर से प्रेरणा देने के लिए कि कोविड जो है वो वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, इसीलिए मैंने भी लगवाई है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल का 100% रिजल्ट हो, 100 का आज हमारा टारगेट है, तो 100 में से 100 ही लोगों को वैक्सीन लगेगी, एक भी वैक्सीन खराब नहीं जाएगी। ये जानना चाहेंगे कि जैसे एक भ्रांति रहती है, कमजोरी आ जाती है, तबीयत खराब होने लगती है, इस पे क्या कहेंगे, आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, अभी तक मैं बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ आपके सामने बैठा हूँ और मुझे कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जिससे कोई परेशानी दिखाई दे रही हो, ना मुझे कोई बुखार है, ना खांसी है, ना कोई एलर्जी है, और मैं पूर्ण तरह स्वस्थ हूँ, आपके सामने हूँ, और इससे मुझे लगता है कोरोना वैक्सीन से किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। व्यापारी सेवा संघ ने आज कोतवाली से मोटरसाइकिल रैली निकाली और नारे लगाए।
अंडरपास बनाएं पुल नहीं। उसके बाद रैली से शहर विधायक माननीय अरुण कुमार जी मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। वहां पर माननीय सांसद संतोष कुमार जी आ गए। व्यापारियों ने सांसद जी विधायक जी से कहा बरेली के कमिश्नर साहब को हटाया जाए और नारे लगाए। जनप्रतिनिधियों व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जनप्रतिनिधियों अधिकारियों व व्यापारियों के साथ जल्द ही बैठक की जाएगी। विधायक जी ने कहा हम आपके साथ हैं, आपकी पीड़ा समझ रहे हैं। कमिश्नर हटाओ, व्यापार हटाओ, कमिश्नर हटाओ, व्यापार हटाओ। लेके जाएंगे कि अब पुल नहीं बनेगा? हम आपके मुंह से कह रहे पुल बनेगा। व्यापारी नहीं बैठ रहे हैं आप जो बना रहे हैं, उनको कहा कि क्या अल्टरनेट प्रस्ताव है, क्या आपने विचार किया है, कौन इसको फाइनल कर रहा है?